हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हिंदी साहित्य लगभग 1000 साल पहले से इसकी शुरुआत होती है और जिसे हम आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीत काल और चौथा इसका विभाजन किया गया आधुनिक काल। तो वीरगाथा काल को हम या आदिकाल को हम इस तरह से कह सकते हैं कि उस काल में अधिकतर रासों की रचनाएं हुई, जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, इस तरह से रासों की रचनाएं हुई और उसमें युद्धों का वर्णन किया गया। ज़्यादातर वीर रस भरी बातें उसमें लिखी गई, इसलिए उसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल से शुरुआत है हिंदी साहित्य की, वहाँ से शुरुआत मानी जाती है और ये लगभग 1000 साल का इतिहास है आज से। तो वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह की भाषा है। जैसे हम आपको आला की पंक्तियाँ सुनाते हैं, ये आलखंड की हैं, जगनीकृत। तो इसमें अरे सुमिरन करके मैहर वाली तो मऊ भी का ध्यान लगाई, और सुमिरन करके मैहर वाली तो और मऊ भी की ध्यान लगाई, औ खट 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 ते गही बोलई बोलई छपक छपक तलवार, औ बड़े लड़ैया मऊ भी वाली तो जिनसे हार गई तलवार, और बैरियाई डोलन लगी तो होने लागे और बेउपार, और बैरियाई डोलन लगी तो होने लागे और बेउपार, ओ बारह बरस लो कूकर जीवे ओ तेरा लो जिये सियार, ओ बरस अठारह क्षत्रिय जीव आगे जीवे को धिकार, ओ स्वर्ग मड़ैया सबका हुको यारो आज मरे कोई काल, ओ या मनो भाय गई उदल के तुरत घोड़ा दीन बढ़ाए, ओ दुई दुह रुपया के नो करे नाहक डरी हो मूड़ कटाए, ओ हम तुम लड़िए समर भूम मा दुई माँ एक माँ खुरई जाए, ओ या मन भाय गई उदल की तुरत घोड़ा दीन बढ़ाए, ओ अरर गोड़ाए छूटन लागे तो सर सर तीर रही सन्नाई, ओ जले नब्बी ओ गुजराती ना चले बराई त्यार, ओ गोला लागे जे ऊटन के सो गिर परे चकत्ता खाए हाँ। ये मैंने रचना आलखंड से सुनाई, ये वीरगाथा काल की रचनाएं हैं। ये इसको मानो कि 1000 ईस्वी की लगभग की रचनाएं हैं और इसमें यहाँ नाथ पंथ भी आता है, जैसे गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरखनाथ, इसमें नाथ पंथ साहित्य है जो संत परंपरा की ओर ले जाता है। यहाँ पर निर्गुरु ब्रह्म की उपासना भी शुरू होती है, धीरे धीरे शुरू हो जाती है और इसके बाद भक्तकालीन आता है। भक्तकालीन में आप जैसा जानते हैं कि रामाश्रयी धारा, कृष्णाश्रयी धारा, ये सगुण मार्गी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, निर्गुण जो धारा है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निराकार की उपासना, तो इसमें चर्चा की गई है। तो मैया
मोरी कबई बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पिवावत पचपच, माखन देत न रोटी। ये सूरदास के पद हैं। सूर सागर लिखा गया कवि सूरदास जी द्वारा, जिसमें कि अष्ट छाप कवि मुख्य हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना में कई काव्य लिखे। और जहाँ तक रामाश्रय धारा की बात है, इसमें प्रमुख रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचंद्र के बारे में, राजा राम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, जिसमें कि कांड हैं, भाग हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, इस तरह से इसमें चौपाई दोहों छंदों का प्रयोग किया गया। और इसके बाद में प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, इसमें संत हैं, कबीरदास जी मुख्य संत हैं, और इस तरह से भक्तिकालीन साहित्य आपको मिलेगा। रीतकालीन साहित्य जहाँ पर बिहारी जी, कविवर बिहारी लाल जी की आपको साहित्य मिलेगी, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। अली कली सोयों विधों आगे कौन हवाल, बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भवन सें देन कहें नट जाए। जी आपको दोहे के रूप में बिहारी लाल जी की रचनाएं आपको प्राप्त हुई। अब आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में के प्रमुख कवि देखेंगे तो छायावाद के चार कवि हैं, जो सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी। काव्य की भाषा अनूठी है, संस्कृत निष्ठ है, और इस तरह से आधुनिक काल की और भी कवि हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं को उसमें जोड़ा और उकेरा। और मैथिली शरण गुप्त झांसी की चिरगांव के रहने वाले, उन्होंने अपने साहित्य में सियाराम शरण गुप्त जी, ऐसे आधुनिक साहित्य के मूर्धन्य कवि जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई और साहित्य के माध्यम से देश और दुनिया का विकास करने की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। मैं डॉक्टर संतोष लल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर।